बछड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, वजन में भी अच्छा है, सब कुछ है, और बाकी नसीब की बात है, देखते हैं, बात करते हैं इससे। पहले इरादा तो कंफर्म यही हो गया कि चीज़ अच्छी है, बुलाओ भाई, नहीं तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन लेना तो है ये लाजमी इंशाल्लाह। बड़ा बड़ा खूबसूरत अच्छी लगी है, और देखा जाए कि बस जिस चीज़ पैसों में थोड़ा सा थोड़ी से ऊपर नीचे होगा बातचीत उससे होगी, क्योंकि वो जितने मांग रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे, अगर वो बार्गेनिंग में मान गया तो इंशाल्लाह ये बछड़ा कन्फर्म है। सब कह रही थे बीवी बच्चे कैसे? अरे मेरी तो बीवी है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अबा दिल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज का ब्लॉग बहुत ही कोई मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज ये संडे अली भाई हमारे साथ जा रहे हैं हम कैटल फार्म। रिसेंटली मैंने हम कैटल फार्म का एक ब्लॉग बनाया था जिसमें से एक काला बछड़ा दिखाया था जो कि चूलिस्तानी था। उसकी हमें जो ऑनर है उसका अब्दुल राफी, उसने बहुत अच्छी हमें उसकी एक ऑफ़र दी है। ऑफ़र में ये है कि वो उसने कुछ एक मुझे एक पेमेंट का पूरा बोला है, और वो पेमेंट हमें बकरीद के 3 महीने पहले या फिर वो बोल रहा है बकरीद तक भी दे दो, कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि कोई पेमेंट के हवाले से ऐसी बात करो। उसने जो मुझे पैसे बताए वो पैसे मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि मार्केट के हिसाब से बहुत वार है वो बछड़ा पड़ेगा। तो अली भाई को मैंने बछड़ा दिखाया, अली भाई को बछड़ा नॉर्मल लग रहा है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जब उसको बगैर कैमरे के आप ऐसी अपनी आंखों से देखोगे तो वो बहुत बड़ा बछड़ा है। तो होता है कभी कभार कैमरे में बछड़ा छोटा लग रहा होता है, तो अली भाई ने बोला ये मुझे बछड़ा दिखाओ, अगर समझ में आता है तो इसको इस साल बकरीद के लिए डन करते हैं। एक इशू ये है कि मुझे और अम्मी को सफ़ेद बछड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर अबलख, लेकिन बिलाल भाई और अली भाई को काला ज़्यादा अच्छा लगता है बछड़ा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं अगर अली भाई को समझ में आता है तो भाई डिसीजन लेते हैं, और क्या पता ये 2023 की कुर्बानी के लिए हमारा बछड़ा ये डन हो जाए। तो अभी चलते हैं हम कैटल फार्म, वो बछड़ा खोलते हैं, उसको हाथ वाथ लगा के देखते हैं, प्रॉपर चला के देखते हैं, फिर अली भाई को समझ में आता है तो भाई शायद हम उसका वहाँ पर बात करने बैठ जाए। तो अभी चलते हैं अलम कैटल फार्म और देखते हैं कि क्या सीन है। बड़े तैयार घूम रहे हो तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। कैटल फार्म हमाद वाले। हमाद नहीं, हम और अगर वो बछड़ा पसंद आ गया तो हम ले लेंगे उसे। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा है, तुम्हें मारेगा वो शायद। अरे भाई मैं तो इसकी रस्सी भी पकड़ लूंगा। रस्सी भी पकड़ लोगे? डरते नहीं हो? नहीं। ये गाल पे क्या लगाया अम्मी ने तुम्हारे? अरे नहीं। नजर के लिए लगता है, नजर के लिए। हाँ, नजर के लिए। चलो गेट खोलो, बाइक निकालो बाबा की। बाबा की बाइक कहाँ है? ये रही। हाँ। आवाज दो बाबा को, बोलो जल्दी। लेट हो रहे हैं हम, लेट हो रहे हैं हम। मैं तो छोटा मंडी एक्सपर्ट जा रहे हैं, छोटा मंडी एक्सपर्ट। सही है तुम्हारा नाम छोटा मंडी एक्सपर्ट? स्टैंड तो मार दो। पानी? वो पानी है। अच्छा और सुनाओ, सब कह रही थे बीवी बच्चे कैसे? अरे मेरी तो बीवी है ही नहीं। चलो ठीक, चलो चलो चलो। अच्छे लग रहे हो यार तुम तो, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार चल रहे हो आज तो। तो भाई हम कैटल फार्म पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब अली भाई को मैंने बछड़ा दिखाने वाला हूँ, तो अभी अली भाई का रिएक्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि अली भाई क्या बोल रहे हैं। बछड़े को थोड़ा घुमाते भी है, फिराते भी हैं, देखते हैं कि हमसे थोड़ा सा मानूस होता ही नहीं होता, क्योंकि बछड़ा भी थोड़ा सा ना वो मैंने देखा था डर रहा था, क्योंकि नए नए चेहरे देख रहा है तो वो डर रहा है। शफीक भाई वगैरह जो यहाँ होते जो खाना खिलाते हैं उनसे तो सेट रहता है, लेकिन हमसे थोड़ा सा डर रहा है। तो अभी अली भाई को दिखाते हैं, अली भाई का रिएक्शन पूछते हैं। शफीक भाई थोड़ा लंबा चला के लेकर आए, यहाँ से लिया है या यहाँ से लिया है? आ जाओ माशाल्लाह, तो उठान देखे ली भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगभग नजर बस से बचाए। क्या कहते हैं ली भाई, उनके कंधे से भी ऊपर जा रहा है ये शफीक भाई है। बांध दे शफीक, शफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इनका हाथ में दिएगा
चलो शहजादे वही भाई मारता वारता तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल सही। इधर लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर चलो, चलो चलो लेके जाओ। गुड। इनके बनाना दिल। हाँ। कैसे? कुछ भी नहीं करेगा शमू, आ जाओ। कुछ भी नहीं करेगा, जाओ शबीक भाई को लेकर आओ, उनको लेकर आओ, जाओ। बोलो आप ले। शमू। शमू बाहर है। भाई शफीक भाई आप अपना काम कर लो, अब आपको तंग नहीं करेंगे। आप शुक्रिया बहुत बहुत। कैसा लगा? मासूम है ना भाई, ये थोड़ा सा भागता है ये। हाँ। हम अभी इसके दोस्त नहीं बने ना, शफीक भाई इसके दोस्त हैं। शफीक भाई को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इसके साथ खेलते हैं। हम नए नए आए ना, इसलिए हमसे थोड़ा सा ये भाग रहे हैं। क्या कहते हैं भाई? हाँ माशाल्लाह। थोड़ा सा सेट होगी, हो गई है तो सीधा बिल्कुल सिंह बनेंगे इसके। शबीक भाई कैसे ईद तक कितना तकरीबन बन जाएगा? अपने ब्राह्मण तक तो नहीं हो सकता? नहीं बनेगा इंशाल्लाह। नस्ल में उसको बहुत है, ये भी माशाल्लाह से, ये भी बहुत नस्ल है। वो वजन उसका है पर नस्ल में ये बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाप झालर देखे ना, नाप झालर देखो। अभी वहीं से शुरू हो रही है बबलू, असल में चोलिस्तानी। हाँ माशाल्लाह प्योर है। अल्लाह खैर कर, ये ईद तक खड़ा हो जाएगा। पेट्रोल हो रहा है लेकिन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा पेट्रोल हुआ हुआ है इसलिए जो बारिश बारिश है, लेकिन माशाल्लाह गुंजाइश वंजाइश बहुत है, बहुत गुंजाइश है आगे से, तो बहुत है गुंजाइश। और चीज़ आगे की होती है, आगे की मजबूत है तो सब कुछ। हाँ जोड़ वोड़ अच्छे हैं इसके, और पिछली टांगे देखें माशाल्लाह कितनी तगड़ी है। एक बार गई थी कल राफे के पास। अच्छा राफे के पास? हाँ, वो सिर्फ साल की नहीं, आधे साल की, दो साल में रखूँगा। क्या बात है, राफे ने मुझे भी इसके रेट दिए ना, मुझे बहुत वारे वाले रेट लगे ना, तो मैंने भाई को दिखाया, क्योंकि पैसा वगैरह तो यही जमा करते हैं कुर्बानी के। मैं हमारा जो नसीब होगा वो हम देख लेंगे जी जी। बाकी राफे तो भाई जैसा हमारा लेना, पर इस बार यही सही है। देखना ली पे देख कैसे रहा है, ये यही देख रहा है। अच्छा ना बेटा, मैंने आपको, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, जो मोबाइल पे दिख रहा था लाइव में कितना फर्क है? आधे आधे का फर्क है। मैं यही बोल रहा था ना आपको, अभी देखा नहीं है, उठान तो देखो अली भाई। मैं लिटरली बोलूँ, अगर आप इसके करीब जाओ ना, आप इसके सर से भी नीचे आ रहे हो इतना। ये देखो थोड़ा करीब जाओ, ये मारेगा नहीं, ये सिर्फ सर पे वो करता है, सेट हो जाएगा अभी थोड़ा। यार बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि अधीर भाई आप तो नुकरा या गुलाबी के पीछे पड़े हुए थे, तो इसमें भी बहुत अट्रैक्शन है अली भाई। जो काले में अट्रैक्शन है इसका, जो बनाव है इसकी, जो नाप झालर है, काला है इस वजह से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आज बात करते हैं, देखो फिर बाकी नसीब की बात है। आप लोग भी बताओ, चेक करके बताओ कि माशाल्लाह कैसा है वज़न वगैरह, में आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। पैसे आप लोग बताओ कि कितने तक का होना चाहिए, बाकी फिर हम अपने हिसाब से लगाते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको रखें अपने लिए, या तो कुर्बानी के लिए है, अभी नियत नहीं करेंगे, या तो कुर्बानी के लिए, या तो फिर इसको सेल आउट करेंगे। बस 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 माशाल्लाह, ये देखें दिल की हाइट कहाँ आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दिल की हाइट से भी ऊपर है। अब ये जो लोग कह रहे थे ना उस वीडियो में कि यार ये बंदा छोटा है या कुछ है, तो अब देखो माशाल्लाह माशाल्लाह से दिल की हाइट कहाँ आ रही है। माशाल्लाह शुरैम भी साथ साथ खड़े हैं। अब ये देखें माशाल्लाह बिलाल भाई, ये आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ, इसमें बेशक वॉइस वगैरह दिल अगर काटना है तो काट दो। देखो माशाल्लाह हाइट, मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली। और शुरैम भाई भी घुसे हुए अंदर और अपना काम करके भाग गया। शबीक भाई का कोई नाम है? अभी तक नहीं रखता, आ जाओ चलो। अदिल चाची एक दफा मुझे भगा दे, अदिल उसको दे दो एक दफा, जल्दी से आओ, जल्दी लो, वो खाना खाएगा। खाना खाएगा, खाना खाते हुए डिस्टर्ब नहीं करते, चलो जल्दी लेकर आओ।
छोड़ दो बस, चलो बस। शफीक भाई मुझे बोल रहे हैं कि कोशिश करो तुम ही खरीदो, कह रहे हैं क्योंकि कल इसकी पार्टी लगी है और मैं नहीं चाह रहा किसी और को दूँ, कह रहे हैं। और अगर ले भी लेना तो मुझे बोल रहे हैं कि तो कह रहे इसको यहीं रखी, मुझे इससे बड़ी दिलचस्पी है बेचारे, ठीक है तो कितनी मोहब्बत से उसको पाला है, कह रहे हैं कल पार्टी आई है कोई लगाइए उसने कोई इसके पैसा लगा, तो बाकी पैसे कोई भी लगाए बंदा तो हमारे हाथ में तो देखते इसका क्या क्या सीन होता है। लेकिन बछड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग है जी। जनाब आपको कैसा लग रहा है बछड़ा? अबे तेरे कोई वो इसके अलावा कोई बछड़ा पसंद कर ले यार। कितनी भी और इजी है शो मम्मी ये कर लेती है हैं, प्यार कर लो इसको बोला आराम से, इसके झालर पे तो हाथ लगाओ, बोलो क्या हो गया झालर पे। अली भाई को बछड़ा दिखा दिया मैंने, ठीक है। अली भाई वैसे तो बहुत तारीफें कर रहे हैं लेकिन अब अली भाई से सीरियस पूछते हैं क्योंकि अब शफीक भाई चलेगा, अब इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। सर बछड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, वजन में भी अच्छा है, सब कुछ है, और बाकी नसीब की बात है, देखते हैं बात करते हैं इससे। पहले इरादा तो कन्फर्म यही हो गया कि चीज़ अच्छी है, बुलाओ भाई नहीं तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन लेना तो है ये लाजमी इंशाल्लाह। बड़ा बड़ा खूबसूरत अच्छी लगी है, और देखा जाए कि बस जिस चीज़ पैसों में थोड़ा सा थोड़ी सी ऊपर नीचे होगा बातचीत उससे होगी, क्योंकि वो जितने मांग रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे, अगर वो बार्गेनिंग में मान गया तो इंशाल्लाह ये बछड़ा कंफर्म है, ये घर के लिए देख अच्छा लगा आपको? हाँ घर के लिए देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर अल्लाह मालिक है, भेज देंगे कोई मसला नहीं है। ब्राह्मण देखा ली मेरे सामने, बहुत भारी है माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। लेकिन काला वाला मुझे पर्सनली बताऊँ बहुत कम होते हैं, जो उसका बनाओ बड़ा प्यारा है और ये बनाओ बना बहुत अच्छा। आप पेटल क्यों बोल लेते हैं इसको? थोड़ा पेटल हुआ हुआ है वो, जिस तरीके खा रहे ना अभी, अभी उसको थोड़ी सी ऊंचाई पे खिलाना पड़ेगा, थोड़ा पेटल हुआ हुआ है, क्या होता है बकरीद से पहले थोड़ा वो स्टार्ट करे, राफे भी नहीं है ना, वरना राफे का भी पूछते झुक रहा है ना, ये पेटल जो हो रहा है ये थोड़ा सा करना आ गया। लेकिन अली भाई इसका उसकी अगली पिछली टांगे दोनों भारी हैं, जो इसके जोड़ वोड़ मजबूत है माशाल्लाह, जब उसे खोला हुआ था अभी उनके कंधे से भी ऊपर जा रहा है, इंशाल्लाह देखते हैं, देखते हैं। चलो हम बछड़ा करते हैं, तू बछड़ी क्यों ले रहा है भाई? ये अच्छी लग रही है तुम्हें, लेकिन ये तो बकरीद तक बड़ी होगी नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ ये क्रॉस है ऑस्ट्रेलियन, शाइन कितनी है यार। हम कैटल फार्म पे एक और बड़ी नस्ली चीज़ है माशाल्लाह से, वो ये बछड़ा है ब्राह्मण, बछड़ा सैंड चीज़ है, भरपूर नाप झालर बनाओ में, तो इसको भी देख के बड़ा दिल खुश होता है यार। तो भाइयों अली भाई को बहुत पसंद आया बछड़ा, मुझे तो पसंद था ही था, और बिलाल भाई को भी हम दिखाएंगे और फिर इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ये बछड़ा हम ले लें, लेकिन अभी इस पर कन्फर्म नहीं होगा, हम कुर्बानी करें या इसको सेल आउट की रखें, क्योंकि एक इशू ये है कि अगर ये उस तरीके से नहीं बनता जिस तरह का हम जा रहे हैं तो फिर हम दूसरा बछड़ा लेंगे, इसको सेल आउट करेंगे यहीं से। तो कोशिश करते हैं इसको बाय करने की, बाकी अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा है वो होना है। तो वली भाई को लेकर आऊँगा, आज तो राफे है नहीं, और ये बता भी रहे थे कि राफे थोड़ा सा लेट आएगा, और बिलाल भाई को दिखाते हैं वीडियो जो USA में भाई, फिर अली भाई से मशावरत वगैरह करके फिर इस बछड़े को इंशाल्लाह जैसा भी होगा आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। तो बछड़े पे माशाल्लाह ज़रूर लिख देगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा मेरी चॉइस कैसी है। तो भाई ये थे आज की वीडियो, ठीक है अली भाई को बछड़ा बहुत पसंद आया, पैसों के हवाले से हम राफे से बात कर लेंगे और देखते हैं क्या कमी पेशी होती है, अगर बछड़ा वारे में आ गया इंशाल्लाह हमारी रेंज में आ गया तो हम बछड़ा ले लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम राफे को भी थोड़ा सा तोड़ें क्योंकि दोस्त तो है अपना, लेकिन ये है कि अपनी रेंज से आउट तो हम हो नहीं सकते, तो कोशिश करेंगे बछड़ा भी मिल जाए, हम अपनी रेंज में ही मिले और हम इसके नाजायज़ पैसे भी ना लगाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।